परीक्षित, परीक्षित, क्या हुआ परीक्षित? परीक्षित, अरे क्या हुआ? लगता है इनका पैर फिसल गया ऊपर से। मैंने उनको सावधान भी किया था। ये सब क्या हो रहा है? पहले खुशी के साथ वो हादसा और अब परीक्षित? कुछ कुछ ठीक नहीं लगता। दादाजी, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। इतना परेशान हो गया हूं मैं कि हिम्मत टूटती जा रही है। एक के बाद एक मुसीबत। बेचारा परीक्षित मुझे कुछ बताना चाहता था, बहुत टेंशन में था। दादाजी, परीक्षित अंकल जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, फिर वो आपको बता देंगे कि उनके दिल में क्या बात है। हाँ बेटे, अब तो उसके ठीक होने का इंतजार है। पर वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? नहीं, इतनी जल्दी उम्मीद तो नहीं की जा सकती। उनकी कंडीशन क्रिटिकल तो नहीं है पर काफी सीरियस है। रीढ़ की हड्डी में चोट आई है जिसकी वजह से वो पैरालिटिक कंडीशन में है। ना तो हिल सकते हैं और ना बोल पा रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आप कुछ तो बता सकते हैं वो पूरी तरह कब तक रिकवर हो जाएंगे? फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते। ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। शाबाश खुशी, शाबाश। क्या कमाल का कार्य कर दिखाया आज तुमने। एक सही रास्ता चुना है तुमने। शाबाश, शाबाश। मैं जितना तुम्हारे इस रंगदंग से परिचित होती जा रही हूँ उतनी ही बेचैन हो उठती हूँ तुम्हें अपनी मुट्ठी में करने के लिए। हाँ खुशी, मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में करना चाहती हूँ। लेकिन नहीं, इस बार मुझे इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं, इस बार मैं जरूर इंतजार करूंगी। सही मौके का इंतजार करूंगी मैं। हाँ, और वो मौका आएगा नहीं, मैं जानती हूं वो मौका जरूर आएगा। या परीक्षित, ये कैसी यारी है यार? मुझे वहां बाहर खड़ा करके तू ही अंदर अस्पताल में आराम कर रहा है। लेकिन मैंने भी डॉक्टर से कह दिया है कि जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त को ठीक करके बाहर भेजो, नहीं तो मैं यहाँ अस्पताल के बाहर दरवाजे पे खड़ा रहूंगा। हाँ हाँ परीक्षित अंकल, दादाजी का तो आपके बिना दिल ही नहीं लगता। और अंकल देखिएगा, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे और यहाँ से डिस्चार्ज भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम विशाल के साथ मिलकर क्रिकेट मैच खेलेंगे और मैं अंपायर बनूंगा। अंकल ठीक हो जाए उसके बाद तो मैच खेल ही लेंगे। लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया कि अंकल इस तरह से कैसे गिरे। मेरा मतलब कोई इंसान टेरेस से पीठ के बल कैसे गिर सकता है? अंकल एक्चुअली आप कैसे गिरे थे? चलिए आप सब लोग जाइए यहाँ से, इन्हें आराम करने दीजिए प्लीज। आओ बेटे, चलो 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 खुशी।
और हैंडसम लड़का है वो, यू नो, एक हीरो मटेरियल लगता है। अच्छा खाते पीते घर का है, अमीर भी दिखता है। अब मेरा मतलब एक क्लास क्लास है। दिया, पम्मी बुआ तो बिल्कुल ही परफेक्ट से लड़के के बारे में बता रही है, जल्दी से हाँ कर दे। अरे दुर्गा, ये क्या कह रही हो तुम? अरे अभी आप तो तारीफ ही कर रही थी। माँ, अगर अच्छा लड़का है तो हम इंतजार क्यों करें, है ना? वेट वेट, दुर्गा, ये तो बुआ उस लड़के की तारीफ कर रही है जिसे बुआ को देखकर आंख मारने की और सीटी बजाने की आदत है। पम्मी दीदी, बात क्या है? आज सुबह से वो लड़का आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। ओ, तो पम्मी बुआ अपनी शादी की प्लानिंग कर रही है। सॉरी दिया, तुम्हारा चांस तो गया। वैसे भी दुर्गा, दिया की शादी का चांस ना मेरी शादी के बाद ही आ सकता है। अब जब घर में बड़ी लड़की बैठी हो तो पहले तो उसी की शादी होगी ना, छोटी लड़की की शादी के बारे में तो बाद में सोचेंगे। दिया की शादी की फिक्र तो होती रहेगी, लेकिन हाँ, ये जिम्मेदारी मैंने दुर्गा को सौंप दी है। दुर्गा अगर उस लंदन वाले लड़के के बारे में सच्चाई नहीं बताती तो शायद दिया की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मृदुला, मैंने एक फैसला किया अभी अभी। क्या हुआ? वो ये कि मैं अपनी शादी की जिम्मेदारी भी दुर्गा को सौंप। जल्दी से दो अच्छे लड़के ढूंढ, हम दोनों की डोलियां साथ में इस घर से चली जाएंगी। नीलिमा, ऐसी कोई बात नहीं, बस पिछले कुछ दिनों से पता नहीं चला क्या हो रहा है, बहुत सारी अजीब चीजें हो रही। पहले खुशी का एक्सीडेंट, फिर परीक्षित अंकल का छत से गिरना, एक के बाद एक शॉक। आई नो विशाल, मैं समझ सकती हूँ व्हाट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू। आई एम श्योर तुम काफी उदास और अपसेट फील कर रहे होंगे, लेकिन तुम जानते हो कि जब मैं उदास फील करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ। चलाओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे कहाँ ले जा रही हो नीलिमा? आज मैं तुम्हें एक जीवन का रहस्य दिखाती हूँ। जीवन की उदासी को दूर करने का एक फूल प्रूफ तरीका है मेरे पास। आ जाओ चलो। चलो पहले तुम भी इन कबूतरों को दाना खिलाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी उस सीक्रेट फॉर्मूला। कम ऑन। पता है विशाल, जब भी मैं उदास हो जाती हूँ ना, यहीं आकर इन कबूतरों को दाना डालती हूँ, मन एकदम हल्का हो जाता है। मुस्कान दीदी ने मुझे ये सीधा और आसान सा तरीका बताया था। उन्हें एक अजीब सा विश्वास था इस पर। मैं बहुत छोटी थी ना, इसलिए इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। और वो कहती थी, नीलू, जब इन पंछियों को दाना डालो और वो उसे खाएं, तो मन को एक शांति सी मिलती है, सारी फिक्र सारी चिंताएं दूर हो जाती है। और अगर तुम्हें एक सफेद कबूतर दिख जाए उड़ता हुआ, तो समझ लो तुम्हारी सारी परेशानियां भी उड़ गई। वो देखो, ले गया अपने साथ सारी उदासियां, सारी परेशानियां। पता है, मैं हमेशा दीदी का मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन एक दो बार जब मैंने उनका ये नुस्खा अपनाया तो काम हो गया। तब से मैं भी इन कबूतरों को
हर बार दाना डालने आती जब भी मैं उदास हो जाती हूँ। देखा, तुम्हें फ्री ऑफ चार्ज इतना बड़ा सीक्रेट फॉर्मूला बता दिया अपनी मुश्किलों को दूर करने का। नीलिमा, यहाँ पर तो एक भी सफेद कबूतर उड़ नहीं रहा, क्यों? पेशेंस विशाल, पेशेंस। देखा विशाल, अब तुम्हारी सारी मुश्किलें उड़ गई। दीवान खुशी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। खुशी यहाँ? अरे हाँ हाँ, मेरे पीछे पड़ गई कि मैं भी नाना जी आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा चलो, बस ले आया इसको। लगता है इनका पैर फिसल गया ऊपर से। मैंने उनको सावधान भी किया था। ओह, अजीबोगरीब हादसा हो गया। लेकिन उस हादसे के वक्त खुशी टेरेस पर क्या कर रही थी? खुशी की वो गुड़िया छत पर कैसे पहुंची? कहीं ऐसा तो नहीं कि परीक्षित के हादसे के पीछे खुशी का ही? ओ मेरी प्यारी बीवी, अपने आप को निहारना बंद करो। अरे बाबा, मुझे निहारने के लिए तुम हो ना। मैं तो ये देख रही हूँ कि हमारी शादी में आया कौन कौन था। देखो, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मुझे बता दीजिए कि ये लोग कौन है। क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि मैं इन लोगों से मिलूंगी और मुझे पूछना पड़ेगा कि एक्सक्यूज मी, मैंने शायद आपको कहीं देखा है। अच्छा, क्या तुम्हें भी वो लड़की कुछ जानी पहचानी सी लगी? कौन सी लड़की? अरे वही जिसे देखने हम हॉस्पिटल गए थे, जिसकी जान तुमने बचाई। पता नहीं क्यों मुझे उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना सा लगा। दुर्गा, वो इसलिए क्योंकि तुम हर चेहरा एक साइकियाट्रिस्ट की नजर से देखती हो। चेहरा कम और उसके पीछे कहानी ज्यादा नजर आती है तुम्हें। हाँ, लेकिन उस बच्ची के चेहरे को मैं नहीं पढ़ पाई। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रही थी, जैसे मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हो वो। अरे मुझे ऐसा लगा जैसे उस लड़की का हम दोनों से कोई रिश्ता हो। दुर्गा, शायद तुम ठीक कह रही हो। उस दिन मैंने उस लड़की की जान जरूर बचाई, मगर देखो ना, हॉस्पिटल में इतनी टेंशन थी कि उसका मैं नाम पूछना ही भूल गया। हैरानी की बात तो यह है कि उस दिन उस एक्सीडेंट की वजह से मुझे इतने सालों के बाद शालिनी जी मिली। एक एक्सीडेंट की वजह से हम दूर हुए थे और एक और एक्सीडेंट की वजह से हम फिर से मिले इतने सालों के बाद। फर्क सिर्फ इतना है कि उस हादसे का शिकार मुस्कान हुई थी और इस बार एक अनजान लड़की जिसका मैं नाम तक नहीं पूछ पाया। आओ बेटे। पापा, हम लोग तो मंदिर जाने वाले थे ना, यहाँ क्यों आए? बेटे, यहाँ जो परीक्षा के साथ हादसा हुआ था उसको देखते हुए ये मकान खरीदने का दिल नहीं कर रहा है। मैंने सोचा कि टेलीफोन पे एजेंट से क्या बात करूं, खुद ही आके उसे बता दूं। मैं आपकी बात समझ सकता हूं। वैसे भी घर खरीदने का फैसला बहुत ही सोच समझ कर किया जाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज की लिस्ट है, ब्रोशर्स है, जो मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। आप देखना पसंद करेंगे? बेटे मैं, तुम देखो मैं आता हूँ। जी। खुशी, खुशी बेटे कहाँ चली गई ये बच्ची पता नहीं? खुशी साहब, ये शायद आपकी बच्ची का है, ऊपर टेरेस पे मिला है। कहाँ मिला? टेरेस पे? हाँ जी। खुशी साहब,
खुशी खुशी बेटे खुशी बेटे खुशी 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 बेटे ये गुड़िया तुम्हारी है ना? ये वहां टेरेस पे थी क्या? उस दिन तुम टेरेस पे गई थी क्या? तुम्हें पता है बेटे परीक्षित अंकल टेरेस से कैसे गिरे थे? लो आप दोनों यहाँ पर हो, पापा जल्दी चले, मुझे मंदिर भी जाना है। चलो बेटा। आओ बेटा। पापा इस तरफ चले। आइए निवल साहब आइए। ये देखिए ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स भी बहुत ही अच्छा है, पास ही में। आप कह रहे थे ये इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मुझे किचन बहुत अच्छा लगा। अब इसमें वाटर सप्लाई तो 24 आवर्स रहेगी। हाँ बिल्कुल 24 आवर्स रहेगी। और ये जो चिल्ड्रंस पार्क है ये थोड़ा दीन तना नना नगर तुम ताना नना दीन तना नना नगर तुम ताना